चोबर साहब, घर में कुल्लम कुल्ला दारूबाजी हो रही है, आपकी बीवी कुछ बोलेगी तो नहीं ना? अरे दारूबाजी ही तो हो रही है, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे लौंडिया बाजी हो रही है। अरे ठकराल साहब, आपके घर का सिस्टम अलग है, कहीं ऐसा ना हो कि बीबी बूटियां फाड़ दे चौबर जी पर। अरे तुम अपनी तरह समझ रहे हो क्या मुझे? उससे डरता तो घर में पार्टी ही क्यों रखता। हम तो भैया भुगते पड़े हैं, एक बार गलती से आधा क्वार्टर घर पे दिख गया था तो मेरे पिछवाड़े में झाड़ू डालकर मोर बना दिया था, अब तक बदन दर्द करता है मेरा। ठकराल साहब, मेरा घर पर होल्ड कुछ ऐसा है कि अगर मैं अपनी बीबी को बोल दूं कि एक टांग पर धूप में खड़ी रहे तो चाहे भूकंप आ जाए या धरती फट जाए या सृष्टि इधर से उधर हो जाए, पर वो वहां से हिल नहीं सकती। चलो फिर पैक बनाओ, चेस करो और क्या। ए, कहाँ जा रही है? जी वो जबरू की बहू को लौंडा हुआ था, वहाँ सत्संग सुनने गई थी। अच्छा, सत्संग सुनने गई थी या रंगरलियाँ मना रही थी? तेरे टकने तोड़ दूंगा भी। नहीं नहीं पति देव, मेरे चरित्र पर शक मत करो, मैं देसी बनकर रह लूंगी। देखा आप लोगों ने, देखा? वाह चोबर साहब वाह, क्या कंट्रोल किया आपने, हमारी वाली होती तो अभी तक रगड़ देती। वो मर्द ही क्या जो लुगाई का गुलाम बन के रहे। ए, चल सत्संग की कोई बात सुना जिससे सुनकर मजा आ जाए। अरे ये सत्संग सुनने गई थी या कॉमेडी शो देखने गई थी जो मजे की बात सुनाएगी? अजी वहाँ ज्ञान की बातें होती हैं, जैसे पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, पति पत्नी का स्वामी होता है, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। चल चल ठीक है, एक गिलास पानी ला ढोकर। तेरे बाप की नौकर हूँ, अपने आप पी ले, मेरे इंतजार में बैठा था प्यासा पागल। अरे अरे ये क्या बोल रही है, तेरी चुटिया पार के अभी घुमा दूंगा। चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल, बच्चे को खाने वाली चुड़ैल। ये कौन सा नया नाटक है, मुझे तो डर लग रहा है। तेरा भूत मैं अभी उतारता हूँ, मुझ पर काबू पाने के लिए नाटक कर रही है। अरे ये कौन सी कंपनी की बीबी है? भाई औरत का ये रूप मैंने पहली बार देखा है। ससुरे चोबर, आज निकाल दूंगी तेरा गोबर। अरे चलो चलो भाग चलते हैं, चोबर को पिटने दो, ये इनका फैमिली मैटर है, घर पे तो सब पिटते ही रहते हैं, मेरा कल ही नंबर लगा था। इतनी प्रचंड लुगाई मैंने पहली बार देखी है, ये चोबर कैसे हैंडल करता था इसे? अरे ये तो कलदन करनी से भी भयानक लग रही है, चोबर का काम खत्म होने के बाद अगला नंबर मेरा ही है। मार दिया रे मार दिया, बचाओ मुझे, बचाने के लिए कोई मर्द है क्या? इसमें चुड़ैल घुसी है या चुड़ैलों का संगठन पूरा घुसा है? अरे गुप्ता जी, कल्लू भगत को बुला लो फोन करके, वरना सबकी समाधि यहीं लगेगी। सुना है इस घर में भूत है, कौन है, कहाँ है, मेरे सामने आ, इन कायरों को क्या डराती है, मर्द से पंगा ले। अभी कैसा भगत बुलाया है तूने ये? अरे बहुत पहुँचा हुआ भगत है, चुड़ैल की तो रेत निकाल देगा यो। अरे किधर है चंडाल चौकड़ी, मैं रोज मौत से पंजा लड़ाता हूँ, कान खोल के सुन ले, अगर तू भूत है तो मैं प्रेत हूँ, तू आत्मा है तो मैं खात्मा हूँ, तू जिन है तो मैं जिन्नात हूँ, तू शैतान है तो मैं हैवान हूँ, तू दानव है तो मैं दलाल हूँ, मेरा मतलब है कि देव हूँ देव। बड़ी भयानक चुड़ैल है, मुझे पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, बच्चे को खाने वाली चुड़ैल। गलत फंस गया मैं तो, हल्के में ले रहा था, मैं यहाँ आया ही क्यों? अबे भगत कुछ मंत्र जानते हो तो कुछ करो, वरना जा हम किसी और को बुलाते हैं। अरे मेरे आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी ये, इसको भस्म कर दूंगा। मैं तुझे खा जाऊंगी। तू मुझे हल्के में ले रही है क्या, मैं तुझे पी जाऊंगा। अरे भगत जी जल्दी इसके शरीर से आत्मा निकालो। अरे मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, वरना मैं दोनों आत्माएं एक साथ निकाल दूंगा। दोनों मतलब दो चुड़ैलें क्या इसके अंदर? अभी मैं कहूँ इतनी पावर कहाँ से आ गई इसमें? अबे धातु, दो मतलब एक चुड़ैल की आत्मा, दूसरी तेरी बीबी की आत्मा। ए चुड़ैल ज्यादा आग मत मूत, अब देख मैं क्या करता हूँ। आग मूटने से याद आया तुम्हारी पैंट गीली हो गई।
अरे वो दारू की बोतल पड़ी थी जेब में, वो चटक गई। लेकिन महक तो टॉयलेट की आ रही है। अबे बकवास बंद कर अपनी और नाक का इलाज करा, अब देख मैं क्या करता हूँ। अबे ये कुछ करेगा भी या भौंकता ही रहेगा, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। चोबर दरवाजा खोल दे, सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आ रहा है इसलिए मंत्र काम नहीं कर रहे। ए चुड़ैल, इस औरत के अंदर से निकल जा वरना। वरना क्या, नहीं निकलती, बोल क्या करेगा, वरना बोल। वरना ऐसा भागूंगा कि तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा, ये दरवाजा प्रकाश के लिए नहीं खुलवाया मैंने। अरे यो तो भाग गया, अब क्या होगा। ए चुड़ैल, इसके अंदर से निकल जा वरना मैं इस घर को ही आग लगा दूंगा, तू खुद ही जल जाएगी। ऐसा सोचना भी मत, वरना ऐसी जगह काटूंगी कि जिंदगी का असली सुख नहीं भोग पाएगा। अरे गन्ना, मेरा मतलब है कि खन्ना, अब तो बचने की कोई आस ही नहीं दिखाई दे रही है। अरे भाई लोगो, मेरी चंपा बोतल तोड़कर भाग गई, किसी के घर मिले तो बताना। कौन चंपा, तुम्हारे डॉगी की बीवी? अरे नहीं, वो मेरी पतलू चुड़ैल है, बचपन से पाला था उसको, वो नाराज होकर भाग गई। अरे बाबा वो रही छत पर, जल्दी पिंड काटो इसका। कैसा आदमी है, चुड़ैल भी पालने की चीज होती है, ढक्कन कहीं का। अरे भैया मुझे बचपन से लगाव था इससे, औलाद से बढ़कर प्यार किया मैंने इसे। अबे तो चंड मुंड, अब तो पकड़ ले इसे। आजा चंपा बोतल में आजा, कहाँ चली गई थी तू, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। चल बुड्ढे, बहुत सताया तूने मुझे बोतल में बंद करके, अब मैं नहीं आऊंगी। जिद मत कर चंपा, बहुत खोजा था तुझे मैंने, पुलिस स्टेशन में तेरी किडनैपिंग की FIR भी दर्ज कराई थी, दरोगा ने मुझे पीट दिया, वो बात अलग है। क्या टेढ़ी खोपड़ी का आदमी है, पागल खाने से भाग क्या है वो लगता है। बुड्ढे तूने मुझे दारू की बोतल में बंद किया था, कम से कम उसे धो तो लेता, मैं रोज नशे में टुंड रहती थी, तूने एक बार भी ढक्कन खोल के नहीं देखा। वो तो अच्छा हुआ कि बोतल में गैस भर गई थी और वो टूट गई। अरे अब आजा, मैंने बोतल को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया है, आजा आजा आजा। इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ मैं। अबे तांत्रिक मंत्र मार के बंद क्यों नहीं कर लेता। आजा, मुझे क्रोध मत दिला वरना। वरना क्या करेगा बुड्ढे, बोल क्या करेगा। नहीं आ, नहीं नहीं। हाँ ऐसे ही काबू दे दिए। बुड्ढन अभी तेरा कुल्हाड़ा तोड़ती हूँ। अरे भैया जी, अरे भैया जी, अबे निकालो, मजा क्या देख रहे हो। अबे ये तांत्रिक है या भेड़ का फुफ्फा है ससुरा। अबे तू तांत्रिक है या चुड़ैलों का पालनहार, एक चुड़ैल को कब्जे में नहीं ले सकता, धिक्कार है तेरी तांत्रिक विद्या पर, डूब मर जाके। एक ही चुड़ैल ने इसका बैंड बजा दिया। अबे निकालो त्रिशूल मेरे पिछवाड़े से, वरना ये सबको खा जाएगी। तुझे वश में करने के लिए मेरे पास और भी रास्ते है, गलती मेरी ही है जो तुझे अपना माना। अबे कहाँ जा रहा है, मेरी बीबी को बोतल से मुक्त कर दे, अपनी चुड़ैल को लेकर जा। ये संभव नहीं है, अगर मैं चुड़ैल को इसके शरीर से निकालूंगा तो चुड़ैल कब्जे में नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे ले जा सकता है तू, अरे तुझे सदा सदा की गुलामी से मुक्त कर दिया मैंने, क्या करेगा इसको छुड़वा कर, मार खाएगा इसकी। अरे वो बात तो ठीक है, पर जब मेरी सास पूछेगी कहाँ है मेरी लड़की तो क्या बोलूंगा, और मेरा साला वो तो पहलवान है। अरे मेरे पास भेज देना, मैं सबको बोतल में बंद कर दूंगा। और चोबर तेरा पहला काम गोबर उठाना था क्या। अबे तेरी माँ का तांत्रिक ससुराल वालों से पिटवाएगा मुझे, तू अभी ले। ही ही ही।